ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सबसे पहले आते हैं एनक्रिप्शन पे। एनक्रिप्शन मीन्स दैट द सेंडर कन्वर्ट्स द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड सेंड्स द अनइंटेलिजिबल मैसेज ओवर द नेटवर्क। इसका मतलब क्या होगा कि सेंडर क्या करता है, कन्वर्ट करता है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को किसी और फॉर्म में, ठीक है, और उसको सेंड कर देता है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, मतलब कोई भी एक ओरिजिनल मैसेज है उसको चेंज करेंगे सबसे पहले कोई दूसरे फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग चेंज उसको हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। देन उसके बाद सेकंड आता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन रिवर्स द एनक्रिप्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। अब जो यहाँ एनक्रिप्शन से जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग चेंज कर दिए थे अनदर फॉर्म में, ठीक है, अब वो दूसरे फॉर्म वाले जो मैसेज है उसको हम लोग वापस से कन्वर्ट करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, डिक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है एनक्रिप्शन प्रोसेस का। जो भी हम लोग अनदर फॉर्म में चेंज किए हैं उसको वापस से चेंज करेगा ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये हुआ डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इसको और अच्छे से मैं डायग्रामेटिक में अगर इसको समझाऊं तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हमने कोई भी एक मैसेज भेजा, जैसे लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। इस हेलो को मैं क्या किया, इसको मैं सेंड किया, ठीक है, रिसीवर तक। ठीक है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये सेंडर है। ठीक है, सेंडर क्या किया, एक मैसेज सेंड किया हेलो। ठीक है, जब भी वो नेटवर्क में भेजेगा, ठीक है, तो इस मैसेज को उसे सिक्योर करना होगा। इस मैसेज को क्या करना पड़ेगा, सिक्योर। ठीक है, तो इस हेलो मैसेज को वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट कर देगा, मान लो कुछ भी कोड जैसे कि एक्स एच ई, ठीक है, फिर उसके बाद 00L, ठीक है, फिर उसके बाद 00L, ठीक है, फिर उसके बाद 000 या फिर O है ये। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, फॉर्मूला बनाएगा, उस फॉर्मूला से उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो भी ये ओरिजिनल मैसेज से यहाँ पे चेंज हुआ है मैसेज, ठीक है, मतलब ये इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल मैसेज और इसको बोलेंगे हम लोग साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जो यहाँ पे दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है, यहाँ पे हम लोग ने प्रोसेस किया है एनक्रिप्शन का। एनक्रिप्शन प्रोसेस का हम लोग यूज किए हैं और उससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो रिसीवर रिसीव करेगा वो इस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा वापस से ओरिजिनल फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो एनक्रिप्शन प्रोसेस से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं जो कि एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रहता है, जो एक रिसीवर जो है उसके पास भी सेम फॉर्मूला होगा जिससे एनक्रिप्शन लगाया गया है। ठीक है, और उसको इस कोडेड मैसेज को मतलब डिक्रिप्ट करेगा वो, और कोई ना कोई यहाँ पे की यूज करता है। ठीक है, तो जनरली ये एक प्रोसेस होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम लोग कोई भी मैसेज को सेंड करना है तो हम लोग दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, और उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एनक्रिप्शन। ठीक है, और इस मैसेज को या तो हम लोग एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको साइफर टेक्स्ट बोल सकते हैं। देन साइफर टेक्स्ट से हम लोग चेंज करते हैं वापस से ओरिजिनल फॉर्म में, और यहाँ पे वापस से क्या मिलना चाहिए, हेलो मिलना चाहिए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में हम लोग एक की का यूज करते हैं। ठीक है, की का यूज करते हैं, ये की ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस साइफर टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए, मतलब
इस मैसेज को ओरिजिनली जो मैसेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो हेलो है उसको एनक्रिप्ट करने के लिए और यहाँ से डिक्रिप्ट करने के लिए दोनों के लिए यहाँ पे की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो की जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट की और दूसरा होता है पब्लिक की। प्राइवेट होता है और पब्लिक की होता है, दो की होता है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग एनक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, तो वो पब्लिक की का यूज करेगा, पब्लिक की का यूज करेगा। और जब भी यहाँ पे डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, तो उस समय ये जो पब्लिक की है वो सेंड होगा इस रिसीवर को और रिसीवर के पास अपना खुद का एक प्राइवेट की होगा जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को मिला के वो डिक्रिप्शन अप्लाई करेगा और वापस से ओरिजिनल मैसेज में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन का। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। यहाँ जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होते हैं वो दो टाइप के टेक्निक्स को यूज करते हैं। फर्स्ट टेक्निक होता है प्राइवेसी विद सीक्रेट की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सीक्रेट की को प्राइवेट की भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सेकंड होता है प्राइवेसी विद पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, दो तरीके टेक्निक यूज किए जाते हैं, ठीक है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम लोग का ओरिजिनल मैसेज है, ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग जो भी मैसेज भेज रहे हैं कोई भी मीडियम से भेज रहे हैं, हम लोग कोई भी एप्लीकेशन से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, किसी से भी हम लोग भेज रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैंने हेलो भेजा, हेलो लिखा, ठीक है, हेलो मैसेज जो है मुझे भेजना है रिसीवर तक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो ये प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में अप्लाई किया गया एनक्रिप्शन। क्या अप्लाई किया गया? एनक्रिप्शन अप्लाई किया गया। एनक्रिप्शन जैसे ही अप्लाई किए, ठीक है, एनक्रिप्शन के पास एक शेयर्ड की होगा जिसको हम लोग पब्लिक की भी बोलते हैं। ठीक है, शेयर्ड की होगा या फिर उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की ट्रांसफर होगा यहाँ पे डिक्रिप्शन प्रोसेस के पास में। ठीक है, और ये यहाँ पे अप्लाई किया गया है पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की को यूज करके एनक्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, उससे जनरेट क्या हुआ? साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ। अब साइफर टेक्स्ट जो है वो नेटवर्क में गया और जो डिक्रिप्शन प्रोसेस है, ठीक है, जो कि रिसीवर के पास में होगा, ये पूरा रिसीवर का पार्ट है, ये है रिसीवर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट है सेंडर का। ठीक है, तो ये सेंडर क्या है, उसने साइफर टेक्स्ट जनरेट करके नेटवर्क में सेंड कर दिया। देन उसके बाद क्या करेगा जो रिसीवर है, उसके बाद डिक्रिप्शन प्रोसेस होगा और ओवर द नेटवर्क उसको क्या मिलेगा, यहाँ से पब्लिक की मिलेगा। ठीक है, पब्लिक की मिलेगा, इस पब्लिक की और पब्लिक की सहायता से वो क्या करेगा, इसको डिक्रिप्शन अप्लाई करेगा। मीन्स पब्लिक की और प्राइवेट की यहाँ पे दोनों अप्लाई करेगा। ठीक है, प्राइवेट की के बिना वो डिक्रिप्शन अप्लाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की हेल्प से वो क्या करेगा, डिक्रिप्शन मतलब जो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट आया हुआ है उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिसीवर एंड पे होता है और यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेंडर एंड पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सीक्रेट की एनक्रिप्शन है वो काम करता है। सीक्रेट की एनक्रिप्शन में क्या होगा, शेयर्ड सीक्रेट की होगा, शेयर्ड सीक्रेट की को ही हम लोग पब्लिक की भी बोलते हैं।
और इसी प्रोसेस को हम लोग पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक भी बोलते हैं। दोनों सेम है, कुछ बुक्स में हम लोग को सीक्रेट की एनक्रिप्शन मिल जाएगा, कुछ बुक्स में हम लोग को पब्लिक की एनक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही सेम प्रोसेस होते हैं। इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज बाई बोथ द पार्टीज, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। सेम की यूज करेंगे बोथ पार्टीज, मतलब जो सेंडर है और रिसीवर है, दोनों के दोनों सेम की का यूज करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक की। द सेंडर यूजेस द सीक्रेट की एंड एनक्रिप्शन एल्गोरिथम टू एनक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। एक सीक्रेट की का यूज करेगा जो शेयर्ड सीक्रेट की होगा, और एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होगा, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे ही हम लोग एक प्रोग्राम जनरेट करते हैं जिसके थ्रू हेलो जो है टेक्स्ट इनपुट लेता है, वहां से एक साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो वैसा ही एक एल्गोरिथम बना होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। द रिसीवर यूजेस दिस की एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम टू डिक्रिप्ट द डेटा, ठीक है। दोनों यहाँ पे शेयर्ड की यूज करें, इसका मतलब क्या है, पब्लिक की है, पब्लिक की अप्लाई करेगा और डेटा एंड डिक्रिप्शन जो एक एल्गोरिथम है उसको यूज करेगा, और वहां से उस साइफर टेक्स्ट से वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द एल्गोरिथम यूज फॉर एनक्रिप्शन इन इज द इनवर्स ऑफ द एल्गोरिथम यूज फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। जो भी हम लोग एनक्रिप्शन में जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसी का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है। जो भी एनक्रिप्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे जस्ट उसका इनवर्स प्रोसेस क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा, ठीक है। सेम एल्गोरिथम वहां पे यूज किया जाता है, जो भी हम लोग एडिशन मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन वगैरह जो भी अप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक है। तो अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन और डिविजन प्रोसेस यूज होगा, ठीक है। इस टाइप का वहां पे कुछ एक एल्गोरिथम बनाया जाता है, ठीक है। द सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आल्सो नोन एज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, बिकॉज द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड इन बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। हम लोग ने क्रिप्टोग्राफी के 3 टाइप्स देखे थे, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे जो हम लोग शेयर्ड की या फिर हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, डिक्रिप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। इसका मतलब यहाँ पे सिंगल पब्लिक की का यूज किया जा रहा है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम द सीक्रेट कोड इज यूज बाय द कंप्यूटर टू एनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन बिफोर इट इज सेंड ओवर द नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से निकलने से पहले ही वहां पे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और सीक्रेट कोड भी यूज किया जाएगा, सीक्रेट कोड मीन्स क्या होगा, सीक्रेट की का यूज किया जाएगा, उसी को यहाँ पे हम लोग सीक्रेट कोड बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे द सीक्रेट की रिक्वायर्स दैट वी शुड नो विच कंप्यूटर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर सो दैट वी कैन इंस्टॉल द की ऑन ईच कंप्यूटर, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम लोग एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स में हम लोग मैसेज भेजते हैं, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स में हम लोग मैसेज भेजते हैं, तो उस केस पे क्या होगा कि हम लोग को वहां पे पता लगाना होता है कि कौन कौन से कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो एक कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, जैसे मैं यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से डेटा सेंड कर रहा हूँ और आप लोग जो है 5, 6, 10 लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो डेटा सेंड कर रहा हूँ वो एनक्रिप्टेड होगा, वो किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन डिक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, आप लोग के ऐप में हो रहा है, आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, वो डिक्रिप्टेड किया हुआ है। मीन्स मैंने यहाँ से जो ऑनलाइन कंटेंट यहाँ पे शेयर किया वो क्या हो रहा है, वो ओरिजिनल मैसेज है,
ठीक है, मेरे और आप लोग के बीच में नेटवर्क है, उस नेटवर्क में ये जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होके जा रही है, ठीक है, ये जो मैसेज है वो सिक्योर होके जा रही है, मीन्स ये डेटा को पूरा एनक्रिप्शन प्रोसेस किया गया है, साथ में उसके एक शेयर्ड की भी दिया गया है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट और शेयर्ड की दोनों कहाँ पे जा रहा है, आपके ऐप तक पहुंच रहा है, आपके मोबाइल में इंस्टॉल है जूम ऐप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल है जूम ऐप, जूम ऐप उसको रिसीव करेगा, उसके पास भी सेम प्रोसेस होगा और वो की की सहायता से उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ला के उसको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है सीक्रेट की एनक्रिप्शन का, ओके। तो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES हम लोग इसको बोलते हैं, ये जनरली IBM ने डेवलप किया था। द डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम वॉज डिजाइन बाय IBM एंड अडॉप्टेड बाय द US गवर्नमेंट एज ए स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन मेथड फॉर नॉन मिलिट्री एंड क्लासिफाइड यूज, ठीक है। पहले किसके पास था, IBM ने डिजाइन किया था, बाद में US गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। द डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो होता है वो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी का ही यूज किया जाता है। 80% एप्लीकेशंस जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं, लाइक कोई भी चैटिंग एप्लीकेशन हो, ठीक है, या फिर जो ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन मींस जहां पे कोई एक होस्ट कर रहा है और मल्टीपल्स लोग उसको देख रहे हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, लाइक फेसबुक हो सकता है, ठीक है, ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, या कोई जूम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही है, वो हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो एप्लीकेशन होता है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी क्या है, होस्ट करने वाला कौन है, होस्ट करने वाला यूट्यूब अकेला है, गूगल है, ठीक है, गूगल क्या करता है, उसको ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करना मीन्स उसको पता नहीं होता है कि अगला कौन है, लेकिन उसको पता होता है कि ये यूजर रजिस्टर्ड है और इस यूजर को ये कंटेंट देखना है, ठीक है, तो की भी उसी प्रकार से ही उसी को सेंड करेगा, वो पब्लिक की जो होगा वो कहीं पे भी शेयर नहीं करेगा एक्सेप्ट द यूजर, ऑथराइज यूजर जो बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स होता है, अमेजोन प्राइम होता है, ये अपने प्रीमियम कंटेंट कैसे दिखाते हैं, प्रीमियम कंटेंट कैसे दिखाते हैं, ठीक है, उनके लिए एनक्रिप्शन अलग होगा। लाइक जैसे फ्री कंटेंट है, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी मूवी रिलीज हुई, उन्होंने क्या किया, उसको फ्री रिलीज कर दिया, ठीक है, फ्री रिलीज कर दिया, उसमें हम लोग देख तो पा रहे हैं लेकिन हम लोग क्वालिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, हम लोग उसमें HD रिजोल्यूशन में नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, इन केस मतलब जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग HD रिजोल्यूशन में उसको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, उसमें डॉल्बी विजन नहीं मिल रहा है, डॉल्बी एटमॉस नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो सिंपल सा एकदम सस्ता चालू क्वालिटी वाला पिक्चर क्वालिटी हम लोग को दे रहा है, ऑडियो क्वालिटी भी वैसी दे रहा है। अगर हम लोग उसमें प्रीमियम, अगर हम लोग ने वहाँ यूजर अकाउंट बनाया है और कुछ अमाउंट वहाँ पे किया है हमने, तो वहाँ पे जो उस डेटा का एनक्रिप्शन होगा वो चेंज हो जाता है और हमारे साथ वहाँ पे उस डेटा के साथ में एक की दिया जाता है, ठीक है, उस की से सारे फीचर्स खुल जाते हैं, मीन्स जो डेटा हम लोग को देखना है वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। लाइक जैसे आज के डेट के मतलब अगर कोई भी मूवीज आती है, ठीक है, कोई भी मूवीज आज के डेट में, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, उसकी ऑडियो स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है, और वही आज से 5 साल पहले की मूवीज में देख लो, वीडियो स्टैंडर्ड्स अलग होंगे, ऑडियो स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, ठीक है। आज के डेट में हम लोग जो भी मूवीज रिलीज होती है वो डॉल्बी एटमॉस के साथ होती है, डॉल्बी विजन के साथ होती है, नए नए टेक्नोलॉजी उसमें यूज करते जा रहे हैं, ठीक है,
तो वहां पे जिस टाइप का डिवाइस में एक्सेस किया जा रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उस डेटा के साथ में कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स भी देते हैं, और हर एक फीचर जो है एनक्रिप्टेड होते हैं, मीन्स वो हर कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। अगर वो फीचर्स उसके पास है तभी उसको की दिया जाता है और वो उस फीचर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक रियल टाइम एग्जांपल है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, ठीक है। व्हाट्सएप में हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, वहां पे भी डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। हर एक चैट, जितने भी मैसेजेस हम लोग सेंड कर रहे हैं, जितने भी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, GIF, जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सब के सब एनक्रिप्शन प्रोसेस का यूज करते हैं, और एनक्रिप्टेड मैसेज ही जो नेटवर्क में है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग एक मैसेज भेजते हैं किसी भी एक पर्सन को, तो वो क्या करता है, जस्ट हेलो टाइप किया और भेज दिया, ठीक है, वो एनक्रिप्शन प्रोसेस लगा, वो हेलो जो है वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, ओवर द नेटवर्क गया और अगले बंदे के व्हाट्सएप में रिसीव हुआ, वो वहीं पे तुरंत के तुरंत उस मैसेज के साथ में की आएगा, उसको तुरंत डिक्रिप्ट करेगा और हम लोग के उसमें डिस्प्ले कर देता है, तुरंत हो जाता है एकदम, मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। तो डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है आज के डेट में 80% एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अडॉप्ट किया जाने वाला यहाँ इनक्रिप्शन सिस्टम होता है DES। देखिए एडवांटेज में क्या है, एफिशिएंट, द सीक्रेट की एल्गोरिथम आर मोर एफिशिएंट एज इट टेक्स लेस टाइम टू एनक्रिप्ट द मैसेज देन टू एनक्रिप्ट द मैसेज बाय यूजिंग पब्लिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। द रीजन फॉर दिस दैट द साइज ऑफ द की इज स्मॉल, ड्यू टू दिस रीजन सीक्रेट की एल्गोरिथम आर मेनली यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। जनरली बहुत एफिशिएंट होता है, छोटा सा की होता है, साइज भी बहुत छोटा लेता है और बहुत पावरफुल एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है इसका, ठीक है, जो मेनली यूज किया जाता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। इसी कारण वहाँ पे टाइम कम लेता है और बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम ही यूज़ किया जाता है, जितने भी एप्लीकेशंस डेवलप होते हैं जहाँ पे डेटा मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं।